ये देखें जनाब, ये आज हम आपको फ़िश की कटिंग दिखाते हैं कि फ़िश कैसे कटती है। ये फ़िश वाले के पास मैं आई हूँ और इसके पास ये 3-4 किस्म की फ़िश रखी हुई है। ये भी मुश्किल है ना, वो तो रही है तो वो बड़ा झाड़न भी चल रहा है। ये देखिए मैंने ली है पापलेट सोल और अब इसको हम, क्योंकि फ्राई की फ़िश होती है, फ्राई के लिए बड़ी बेस्ट होती है, तो यही फ़िश मुझे बहुत पसंद है, पापलेट सोल। तो अब ये इसकी कटिंग कर रहा है, ये देखिए उसने इसके जो पर हैं, जो है ना बाहर से जो इसके पर दिख रहे हैं वो काट दिए हैं। ये साइड से कटिंग कर रहा है और इसके बाद इसकी खाल भी उतरती है, जाली लगा कर इसके ऊपर। तो बस वीडियो का मकसद ये है कि फ़िश की अगर कटिंग जो करते हैं ना तो तरह होनी चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज कभी घर में करनी भी पड़ जाती है तो घर में भी इस तरह हम कर सकते हैं कि देख के, क्योंकि लोग तो आधा काम करके छोड़ देते हैं बाज़ू का। क्योंकि एक मरतबा मैंने फ़िश ली तो उसने क्या करा था कि वो एक साइड से इसकी खाल भी नहीं उतारी थी, पापलेट सोल की खाल भी उतरती है। अब ये देखें आगे का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ से गंदगी होती है, लाजमी निकलवाएं ताकि आसानी से घर में धुल जाए और फ्राई करने में भी आसानी हो। तो ये कटिंग का भी ख्याल रखना बड़ा ही ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये आधा काम करते हैं, हल्का फुल्का कट लगाते हैं और छोड़ देते हैं। तो अगर कट भी लगाएं तो घेरे लगवाएं और दोनों साइड से लगवाएं, और वरना फिर जितने पीसीज आप पसंद करते हैं छोटे बड़े तो उतने पीसीज करवाएं फिश को। और हमेशा ताज़ी फिश लें, ताज़ी और बासी में भी फ़र्क ये है कि जो इसका फेफड़ा होता है अंदर गलफड़ा ना, वो सुरख होना चाहिए। इसका मतलब है कि फ़िश ताज़ी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।